प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। कानपुर में पुलिस की दबंगई आई सामने। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पुलिसकर्मी ने युवक को मारी लाठियां। बच्ची के सामने पिता पर बरसाई लाठियां। सरेआम पुलिसकर्मी ने युवक को पीटा। मामला अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा। कानपुर में पुलिस की दबंगई आई सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, पुलिसकर्मी ने युवक को मारी लाठियां। बच्ची के सामने पिता पर बरसाई लाठियां। सरेआम पुलिसकर्मी ने युवक को पीटा। मामला अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा। सीडीएस जनरल विपिन रावत का आज होगा अंतिम संस्कार। श्रीलंका, नेपाल, भूटान की सेना के अधिकारी भी होंगे शामिल। उनकी पत्नी का भी आज होगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ आज होगा अंतिम संस्कार। सीडीएस जनरल विपिन रावत का आज होगा अंतिम संस्कार। श्रीलंका, नेपाल, भूटान की सेना के अधिकारी भी होंगे शामिल। उनकी पत्नी का भी आज होगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ आज होगा अंतिम संस्कार। सीडीएस जनरल विपिन रावत का आज होगा अंतिम संस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई देशों के सेना अधिकारी भी होंगे शामिल। उनकी पत्नी का भी आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीडीएस जनरल विपिन रावत का आज होगा अंतिम संस्कार। श्रीलंका, नेपाल, भूटान की सेना के अधिकारी होंगे शामिल। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, आज सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार होगा, कितने बजे अंतिम संस्कार होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें, आज शुक्रवार को दिल्ली में सीडीएस विपिन रावत का पूरा सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गुरुवार को रवाना हो गए हैं। वहीं विपिन रावत के पैतृक गांव सहण में भी उनके चाचा के परिवार रहता था। बुधवार को निधन की खबर सुनने के बाद उनके चाचा भरत सिंह रावत और उनका परिवार गहरे सदमे में। साथ ही आज आपको बता दें, लगभग समय तो तय नहीं है अभी, लेकिन आज ही उनका सीडीएस विपिन रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी जी, बाकी शहीदों के अंतिम संस्कार की क्या कुछ जानकारी है? आज सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी का आज अंतिम संस्कार होगा। श्रीलंका, नेपाल, भूटान के सेना के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सीडीएस को सम्मान देने, श्रद्धांजलि देने दिल्ली जाएंगे। हरदोई में सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश। हरदोई कोषागार से करोड़ों रुपए के गबन का मामला, दो वरिष्ठ कोषाधिकारियों को किया गया बर्खास्त। हरदोई में सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश। हरदोई कोषागार से करोड़ों रुपए के गबन का आरोप, दो वरिष्ठ कोषाधिकारियों को किया गया बर्खास्त। हरदोई में सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश। हरदोई कोषागार से करोड़ों रुपए के गबन का आरोप, दो वरिष्ठ कोषाधिकारियों को किया गया बर्खास्त। हरदोई में सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश। हरदोई कोषागार से करोड़ों रुपए के गबन का आरोप, दो वरिष्ठ कोषाधिकारियों को किया गया बर्खास्त। हरदोई में सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कोषागार से गबन का मामला, ऐसा में दो वरिष्ठ कोषाधिकारियों को किया गया बर्खास्त। हरदोई में सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरदोई कोषागार से करोड़ों रुपए के गबन का आरोप। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आईजीपी में विद्युत सखी कार्यक्रम का आयोजन, मंत्री करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। मोती सिंह विद्युत सखी ऐप लॉन्च किया जाएगा।
विद्युत थर्मल प्रिंटर का भी होगा शुरुआत। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आईजीपी में विद्युत सखी कार्यक्रम का आयोजन, मंत्री करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता, मोती सिंह विद्युत सखी ऐप करेंगे लॉन्च, विद्युत थर्मल प्रिंटर का भी होगा वितरण। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आईजीपी में विद्युत सखी कार्यक्रम का होगा आयोजन, मंत्री करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, पार्टी में दबंगों ने युवक को मारी गोली, शराब पार्टी के दौरान दोस्तों से हुआ था विवाद, गोली लगने से युवक की हालत गंभीर। मामला अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा, युवक को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। कघई थाना के मधुपुर गांव का मामला, प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले हुए बुलंद, पार्टी में दबंगों ने युवक को मारी गोली, शराब पार्टी के दौरान दोस्तों में हुआ था विवाद, गोली लगने से युवक की हालत गंभीर। मामला अकबरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।